turn on that side, front, that side, front. So this is grade 3 gynecomastia with quite excess skin. अगर हम लोग इसे पंच करके देखेंगे तो डेफिनेटली फाइब्रोफैटी कंपोनेंट फील हो रहा है, फाइब्रोफैटी कंपोनेंट एंड द ग्लैंड्स. सो यहाँ पे पिंच करेंगे सो पिंच इज क्वाइट थिक एंड यहाँ पे देखेंगे तो वेरी टफ स्ट्रक्चर इज देयर बोथ द साइड, इट्स वेरी टफ. अलॉन्ग विद दिस देर इज ये थोड़ा हैंग भी हो रहा है. साइड से देखेंगे सो देर इज ह्यूज प्रोजेक्शन ऑन दिस साइड, ह्यूज प्रोजेक्शन, दिस इज ह्यूज प्रोजेक्शन. सिमिलरली ऑन अदर साइड ऑल्सो there is a huge projection that we have to correct. Okay, फादर पर करो दोनों दुख. सो फादर पर करने के बाद में हम देखेंगे तो ये पेक्टोरल मसल होता है. पेक्टोरल मसल के ऊपर फैट और ग्लैंड का इतना मोटा लेयर है. दिस वन इज द लेयर ऑफ द फैट एंड द ग्लैंड बोथ द साइड. तो ये सब निकल जाएगा तो यहाँ पे ऐसा खड्डा जैसा दिखना नॉर्मल है, लेकिन अगर पेशेंट एक्सरसाइज करके डेवलप कर लेगा सो वो चल जाएगा उससे. राइट, आगे से करो एक बार. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 16 आवर आफ्टर द सर्जरी. सो जो प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम था यहाँ पे प्रोजेक्शन का, दैट्स प्रोजेक्शन इज गॉन, कम्प्लीटली गॉन. ये रिंकल है स्किन का रिंकल, अदरवाइज निम्पल इज वाइट. अदर साइड में देखेंगे तो वो जो प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम था दैट विगस 2 मिनट में बंद आवाज आती है. जो प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम था वो प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम इज गॉन. दिस वन इज स्किन रिंकल, राइट. सो दिस इज ऑल. ओके, सो ये सर्जरी हम लोग ने कल रात को 11 बजे करी थी. दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज नाउ. 16 घंटे अभी हो गए हैं. सो अदर साइड का व्यू, टर्न ऑन दिस साइड, ये लेफ्ट साइड का व्यू एंड दिस इज नाउ. ये जितने भी दिख रहा है स्किन रिंकल्स हैं. तो जो स्किन टाइट होती है, टाइट स्किन अभी लूज हो गई है, और लूज स्किन जो होगी वो टाइम के साथ में रिट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट यंग पेशेंट है. यंग पेशेंट में अप टू 40 स्किन इलास्टिसिटी काफी अच्छी होती. चलो टर्न ऑन अदर साइड. सो दैट वाज अदर साइड, ह्यूज प्रोजेक्शन एंड दिस इज नाउ, ह्यूज प्रोजेक्शन एंड दिस इज नाउ फ्रंट व्यू. पेशेंट हम लोग के जलंधर से आए हैं. कितना ट्रेन का ट्रेवल हुआ है आपका? 16 आवर्स. ओके, सो रिजल्ट तो ऑब्वियसली आपको मैंने दिखा दिया है पहले ही. तो आप सेटिस्फाई हो तो थम्स अप कर सकते हैं. सेटिस्फाई, ओके. आप कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा वो फॉलो करना है एंड दैट इज ऑल. हाथों पर करो एक बार, दोनों हाथों पर करो. यस 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 यस, डू इट डू इट डू इट डू इट, राइट. सो दिस इज ऑल. स्किन जो होती है ये जैसे पीछे जाएगी, जैसे ये पहले का था, अब स्किन टाइट हो गई है हाथ ऊपर करने से, तो ये आपको वैसा ही अल्टीमेट अपीयरेंस आपका विद द कंप्रेशन टाइम के साथ में और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, राइट. सो अभी अंदर चेस्ट के अंदर सिर्फ चेस्ट की मसल्स हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करोगे ये चेस्ट की मसल्स को डेवलप कर लोगे तो वो एक अच्छा वाला शेप मेंटेन हो जाएगा, राइट.